हर हर महादेव दोस्तों, अल्प रसोईया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झटपट बन जाने वाला बिरयानी बनाएंगे चना दाल और चावल का। तो चावल आप कोई भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ लंबा दाना वाला चावल लिए हैं, बासमती राइस, जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो एक गिलास हमने चावल ले लिया है, उसे अच्छे से हम धो के रख लेंगे। सबसे पहले चावल धो लेंगे, उसके बाद ये दाल, थोड़ा सा दाल है, छोटा गिलास है, मतलब एक कप दाल है, उसे फूला हुआ दाल है मेरा चना दाल, तो उसे भी धो लिए। और ये तीन टमाटर और दो प्याज है, इसे हम बारीक नहीं काटेंगे, मोटा मोटा काटेंगे। ये बिरयानी बहुत ही अच्छा लगता है बच्चा लोग को, और आप लंच में दे सकते हैं, टिफिन में दे सकते हैं बच्चों को, स्कूल में बहुत ही अच्छा से खाएंगे। और ये गर्मी इतना पड़ रहा है कि किचन में जाने का मन ही नहीं करता है, इसीलिए हम फटाफट बनने वाला रेसिपी आप लोगों को बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हम चूल्हा जला लिए हैं, एक मिट्टी का बर्तन में ही हम बनाएंगे। ये तेल हमने डाला है, कम से कम 4 चम्मच होगा, तेल का मात्रा बहुत कम ही यूज करना चाहिए गर्मी में। ये हमने जीरा डाल दिया, ये पत्ता डाल दिया एक तोड़कर, और ये हमने डाल दिया लौंग और दालचीनी, और ये बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची कूटकर हमने डाल दिया है इसे। कोई हरा सब्जी नहीं, कुछ भी नहीं, आप सिंपल तरीका से बना सकते हैं। गर्मी के दिनों में बाहर का खाना बिल्कुल नहीं मंगा कर खाना चाहिए, घर पे ही बनाइए। और ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच बराबर में हमने डाल दिया, ये अच्छे से थोड़ा भून जाए। फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च डालेंगे, आप कम तीखा ज़्यादा तीखा कर सकते हैं, बस हम हल्का सा डाले हैं। हल्दी और इसमें धनिया पाउडर थोड़ी थोड़ी, और ये हम प्याज डाल दिए, मोटा मोटा कटा हुआ प्याज डाल दिए। ये बहुत ही अच्छा दिखने में भी लगता है, स्वाद भी आता है बहुत अच्छा। स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया है, नमक आपके पास कोई सब्जी उब्जी है तो आप इसे डाल सकते हैं, इस तरह भी बनता है, लेकिन सिंपल तरीका इस चना दाल में बनाने से बहुत ही कुछ और होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए प्याज भून गया है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, बस टमाटर थोड़ा भून जाए, टमाटर का जो पानी रहता है वो थोड़ा कम हो जाए, भून जाए, तो फिर हम इसमें चना दाल डाल देंगे। टमाटर और प्याज अच्छी तरह से भून गई है, अब इसे चना दाल हम डाल दिए हैं, और अब चावल भी डाल देंगे। चावल को फुला के रखना नहीं चाहिए, मतलब जब आप काम कर रहे हैं ना, शुरू करते हैं ना, आप सबसे पहले चावल धोकर रख दीजिए बिरयानी के लिए, ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं इसको, मात्र 2 सीटी लगाना है। ये अच्छे से हमने चला दिया है, और 2 गिलास जिससे हम चावल डाले थे 2 गिलास पानी डाल देंगे, पानी का मात्रा सही होना चाहिए तो अच्छा बनता है। ये हमने छोटा गिलास से जो चना दाल लिए थे उसमें 1 गिलास पानी डाल दिए हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो पानी 1/2 गिलास डालिएगा, क्योंकि हम मिट्टी का बर्तन में बना रहे हैं तो इसमें पानी थोड़ा सा मात्रा लगता है, तो हम सही मात्रा डाले हैं, लेकिन टमाटर और प्याज का भी मात्रा रहता है, तो कुकर में आप थोड़ा पानी कम डालिएगा। देखिए कितना फ्रेश फ्रेश हुआ है, एकदम 20 मिनट के अंदर मेरा बन के तैयार है मिट्टी का बर्तन में। और ये जैसे जैसे ठंडा होगा और भी अच्छा निकलेगा, इसका दाना, एक एक दाना और अच्छा सुंदर दिख रहा है, इस स्वाद में भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर एक बार बनाइए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी। हमने सलाद ले लिया है, और ये खीरे वाला रायता है, रायता हम मेरे घर में सबको पसंद है, सलाद और रायता के बिना तो काम ही नहीं बनता। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।